बाड़मेर को स्वच्छ और साफ सुथरा बनाने को लेकर जिला कलेक्टर टीना डाबी के द्वारा नवो बाड़मेर अभियान शुरू किया गया है। नवो बाड़मेर अभियान के तहत शहर में सफाई अभियान के साथ सौंदर्यकरण के लिए वृहद स्तर पर कार्य चल रहा है। ऐसे में शहर के विभिन्न चौराहों, सड़क मार्ग एवं वार्डों में भामाशाहों की ओर से सौंदर्यकरण संबंधित कार्य करवाए जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर घर घर कचरा संग्रहण को लेकर नगर परिषद ने हाईटेक प्रणाली के तहत शहर में चिप लगवाने का शुरू कार्य कर दिया है। चिप की शुरुआत वार्ड संख्या 1 रेलवे कुआ नंबर 3 से की गई है, जिसके तहत कई घरों के बाहर चिप लगाई जा चुकी है और यह कार्य लगातार जारी है। अब कचरे वाली गाड़ी के साथ में कचरा संग्रहण गाड़ी का सुपरवाइजर साथ चलेगा। वह इस चिप को स्कैन करेगा, जिससे उस घर का डाटा नगर परिषद में आएगा कि कचरा संग्रहण की गाड़ी उस घर पर कचरा लेने गई या नहीं, जिससे सफाई कार्य की उसकी मॉनिटरिंग सही तरीके से की जा सकेगी। ये चिप लगाई है, मतलब सफाई के लिए लगाई हुई है, बाड़ में नगर परिषद ने लगाई है और उन्होंने बोला कि भाई ये सफाई के लिए है, जो आपके पास गाड़ी आएगी उसका मैसेज आएगा सफाई का, इसलिए लगाई है। और ये जो बाड़मेर के जो जिला कलेक्टर अभी आए हैं नए, बहुत बढ़िया काम हो रहा है और यही होना चाहिए आगे। कितनी तस्वीर बदली है बाड़मेर में पहले जगह नहीं, बहुत अच्छा काम हुआ और ऐसा भी होना चाहिए। और थोड़ा बहुत जो है अभी शहर में जो ये जो सफाई बहुत हर जगह हो रही है, बहुत अच्छी हो रही है, यही होना चाहिए शहर की, तो मतलब सुंदरता को और भी अच्छा हो रहा है। पहले किस तरह के हालात थे शहर? पहले तो हर जगह गंदगी थी, चारों तरफ गंदगी के माहौल था और अभी जो कलेक्टर साहब आई तो बहुत अच्छा काम किया है, बहुत बढ़िया काम किया है। नहीं, पहले डोर टू डोर टैक्सियां नहीं आती थी, कभी आते थे कभी चले जाते थे, कचरा रास्ते पे जो टैक्सियां फुल भर के आगे से आती थी वो कचरा रोड पे पड़ जाता था, अभी रोड पे कचरा नहीं है, बहुत सफाई हो रही है। दरअसल बाड़मेर के जिला कलेक्टर का पद संभालते ही टीना डाबी ने शहर की आम समस्याओं का अवलोकन करना शुरू कर दिया, जिसके तहत उन्होंने नवो बाड़मेर अभियान की शुरुआत की। अभियान के तहत शहर में सफाई व्यवस्था और सौंदर्यकरण के कार्य करवाए जा रहे हैं। स्थानीय लोगों ने भी अभियान की तारीफ करते हुए कहा कि इस अभियान के बाद से बाड़मेर शहर की सूरत बदल गई है। कचरा संग्रहण को लेकर घर घर गाड़ी पहले नहीं आती थी, लेकिन अब आने लगी है और मैसेज के जरिए भी इसकी जानकारी मिलेगी। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में डोर टू डोर कचरा संग्रहण की व्यवस्था में सुधार होगा।